बॉलीवुड में अपनी हॉटनेस का जलवा बिखेरने वाली सना खान अब इस्लाम की राह पर निकल चुकी हैं और अपने शौहर संग अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश भी नजर आ रही हैं। जैसा कि सब जानते हैं, हाल ही में सना ने मौलवी अनस संग शादी की थी और शादी के बाद से ही उन्हें काफी ट्रॉल किया जाने लगा। लेकिन इसे पीछे छोड़ सना ने अपने हनीमून की कई फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की। लेकिन फिर एक बार ऐसा क्या हुआ कि उन्हें और उनके शौहर को फिर से ट्रॉल किया जाने लगा? ऐसा अनस ने क्या कर दिया कि उन्हें शैतान से कंपेयर किया जाने लगा? एक्ट्रेस सना खान फिल्मी और टीवी की दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं और इस्लाम के रास्ते पर चल रही हैं। सना अब बुर्का पहनने लगी हैं। सना ने पिछले महीने मौलवी अनस मुफ्ती संग गुपचुप निकाह करके सभी को चौंका दिया था, जिसके बाद से ही वो सोशल मीडिया पर खूब छाई हुई हैं। इतना ही नहीं, इन दिनों ये कपल कश्मीर में अपना हनीमून भी एंजॉय कर रहा है। सना आए दिन अपने हनीमून की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रही हैं। सना पति के साथ रोमांटिक तस्वीरें साझा कर सोशल मीडिया पर खबरों में बनी हुई हैं। वहीं अब उनकी इन तस्वीरों को देख कुछ लोगों ने सना और अनस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इन तस्वीरों पर कट्टरपंथियों का कहना है कि ये दोनों इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं। यही नहीं, अनस की तुलना तो एक यूजर ने शैतान से भी कर डाली। एक यूजर ने लिखा, आप आलिम हो, कोई फिल्मी हीरो नहीं। आपने सना को इस्लाम का रास्ता दिखाया था या आप खुद इस्लाम से दूर हो गए? वहीं दूसरे ने अनस मुफ्ती के बारे में लिखा, वह एक शैतान है, वह ऐसी ही बातों का इंतजार कर रहा था। एक और यूजर ने लिखा, पर्दा रखो, इस्लाम यही सिखाता है, इस्लाम का मजाक मत बनाओ। गौरतलब है कि सना खान ने 20 नवंबर को गुजरात के सूरत में रहने वाले मुफ्ती अनस के साथ निकाह किया था। ये निकाह उन्होंने परिवार वालों की मौजूदगी में किया था। सना खान ने शादी के बाद अपना नाम बदल लिया है। सना ने अब अपना नाम सैयद सना खान रख लिया है। इस कपल की लव स्टोरी की बात करें तो सना की अनस से मुलाकात एक्टर एजाज खान ने करवाई थी। पहले दोनों में दोस्ती हुई और फिर बात मोहब्बत तक आ गई। मुफ्ती अनस के नजदीक आने के बाद ही सना का अपने धर्म से लगाव और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। फिर उन्हें ये एहसास हुआ कि इस्लाम की खातिर उन्हें ग्लैमर की दुनिया छोड़ देनी चाहिए। सना और अनस पिछले कुछ दिनों में इतने करीब आ गए कि दोनों ने निकाह का फैसला कर लिया। एजाज खान के जरिए ये कपल अब हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे का जीवन साथी बन चुका है। सना के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो आखिरी बार हॉटस्टार वेब सीरीज स्पेशल ऑप्स में स्क्रीन पर देखी गई थी। वह बिग बॉस सीजन 6 में नजर आई थी और इसके बाद उन्हें सलमान खान की फिल्म जय हो में काम करने का मौका मिला था। सना खान ने साल 2005 में अपने फिल्मी करियर का आगाज किया था। उनकी पहली फिल्म यही है हाई सोसाइटी थी। साल 2008 में उन्होंने साउथ की फिल्म सिलंबत्तम में काम किया। रोहित शेट्टी के रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में भी सना खतरों के साथ खेलती नजर आई थी। लेकिन अब वो ग्लैमर वर्ल्ड से पूरी तरह दूर हो गई हैं और इस्लाम की राह पर चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।